जूनियर पहलवान सागर धनकर हत्याकांड में मुख्य आरोपी और ओलंपियन सुशील कुमार की तलाश में दिल्ली पुलिस ने छापेमारी तेज कर दी है, लेकिन वह अपनी लोकेशन लगातार बदल रहा है। दिल्ली पुलिस को सुशील पहलवान की लास्ट लोकेशन पंजाब के भटिंडा में मिली, लेकिन दिल्ली पुलिस के पहुंचने से पहले ही सुशील कुमार वहां से फरार हो गए। सुशील कुमार ने अपना मोबाइल नंबर बदल दिया है और नई सिम का इस्तेमाल करते हुए वह इंटरनेट कॉलिंग कर रहे हैं। फरार सुशील लगातार पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार अपनी लोकेशन को बदल रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि वह जल्द ही सुशील कुमार को कस्टडी में लेगी। भटिंडा के एसएसपी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पहलवान कत्ल मामले की जांच को लेकर दिल्ली पुलिस की टीम आज सुबह भटिंडा में आई थी। सुशील कुमार का जो मोबाइल सिम इशू हुआ था वह भटिंडा के एड्रेस का था। भटिंडा के बीच रोड के रहने वाले सुखप्रीत सिंह बराड़ के आधार कार्ड पर जारी सिम को सुशील कुमार इस्तेमाल कर रहा था। उन्होंने आगे बताया, सुखप्रीत सिंह बराड़ के मामा के बेटे अमन ने सिम को इशू करवाया था। वह भी सुशील कुमार और इस सिम को इशू करवा के वह सिम उन्होंने सुशील कुमार को दे दिया था। फिलहाल दिल्ली पुलिस सुखप्रीत सिंह बराड़ के इस बारे में पूछताछ कर रही है, लेकिन अमन अभी भी फरार बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस को भटिंडा पुलिस पूरा सहयोग दे रही है, जांच में लिस्ट लोकेशन वाली बात नहीं है। सूत्रों के मुताबिक जिस रात ये सागर धनखड़ की हत्या हुई उस रात दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम के अंदर और बाहर करीब 60 लोग मौजूद थे। इसके साथ ही जिस वीडियो में सुशील कुमार पिटाई करता हुआ दिख रहा है उस मोबाइल वीडियो को पुलिस ने रोहिणी के FSL भेजा था। अब SFL ने साफ कर दिया है कि पीटने वाला शख्स सुशील ही है, जिसके बाद सुशील की मुश्किलें और